हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और इस नए ब्लॉग में। और वीडियो क्वालिटी आपको कैसे लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जो है GoPro Hero 11 में अपग्रेड कर लिया हूँ। पहले मैं GoPro Hero 8 यूज करता था, तो अभी जो है मैंने GoPro Hero 11 क्रिएटर एडिशन परचेज कर लिया हूँ। अभी सबसे लेटेस्ट में GoPro Hero 11 था, तो मैंने इसी को परचेज किया हूँ। और देखते हैं हमको कैसी क्या क्वालिटी और साउंड क्वालिटी वगैरह सब मिलती है। अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि साउंड वगैरह कैसा आ रहा होगा। मैं जा रहा हूँ अभी यामाहा के शोरूम। मेरी गाड़ी में जो है R15 में मेरे को डबल डिस्क लगवाना है फ्रंट में। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे भाई सामने डबल डिस्क कर दो, और मैं भी सोच रहा था इतना मॉडिफिकेशन करवाई दिए तो सामने डबल डिस्क और करवा देते हैं। और एक तो मॉडिफिकेशन का ऐसा है कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, जितना कराते जाओ उतना कम ऐसा लग रहा है। वैसे इस टाइम में जबलपुर में चेकिंग काफी जोरों शोरों से चल रही है, तो हमको थोड़ा संभल के ही चलना पड़ेगा। आज हम निकले हैं लूसीफर पे, बट कल हम निकालेंगे हमारी फैल्कन को, क्योंकि काफी लोग बोल रहे थे रिएक्शन वीडियो का, तो मैं कल ट्राई करूंगा रिएक्शन वीडियो शूट करने का। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं एक महीने लगभग जो है बेड रेस्ट में चले गया था। इसलिए मैं सोचा नहीं था कि अभी अपग्रेड करूंगा, क्योंकि मैं अभी लैपटॉप भी परचेज किया हूँ। जो मैंने क्रिएटर एडिशन लिया हूँ कैमरा, वो काफी अच्छा है गाइस, ब्लॉगिंग वगैरह के लिए तो बहुत अच्छा है। बट मुझे एक उसमें डिसएडवांटेज ये लगा, जिस हिसाब से GoPro प्राइस ले रहा है उस हिसाब से माइक की जो क्वालिटी है वो कोई उतनी खास नहीं मुझे लगी। कहाँ जा रहा था? एक्चुअली मैं हो क्या रहा है ना, जबलपुर में मतलब इस चीज़ का अभी नया काफ़ी ज़्यादा क्रेज चल रहा है एग्जॉस्ट का, तो जिसको भी देखो स्प्लेंडर में तक लोग एग्जॉस्ट लगा लगा के भगा रहे हैं। और ठीक है चलाओ भाई, सबका अपना अपना शौक है, सब कोई हर कोई अच्छे मतलब सुपर बाइक वगैरह परचेज नहीं कर सकता, बट किसी के सामने अति मत करो। लोग क्या कर रहे हैं, किसी के भी सामने जाके एग्जॉस्ट मतलब ऐसा बिल्कुल फुल साउंड में थ्रॉटल दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है बिल्कुल भी। शोरूम तो वैसे बदला बदला लग रहा है, ये जगह भी पूरा पार्टीशन हो गया, नहीं तो पहले नहीं था। जाते अंदर मैं पूछ के बताता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। यहाँ पे सभी को पता है कि मैंने बाइक को ऐसी मॉडिफिकेशन करवाया हूँ। वो भैया लोग बोलते हैं आप अपनी R15 से आए हो, मैंने बोला नहीं भैया मैं तो आज निंजा से आया हूँ, बट बहुत जल्द लेके आऊंगा। तो मैं परसों, कल तो शोरूम बंद रहेगा सैटरडे के कारण, परसों लेके आता हूँ मैं मेरी बाइक। जो वहाँ पे काम करते हैं वो बोल रहे थे भाई आपने काफी अच्छी मॉडिफिकेशन की हो, पता नहीं उनको कैसे पता चला इस चीज का, तो कल परसों लेके आते हैं बाइक। निंजा में तो गजब ही रिएक्शन मिलते हैं, मैं ज़्यादा ब्रूम ब्रूम करता नहीं हूँ, जिस दिन ब्रूम ब्रूम करूँगा तो और तगड़े रिएक्शन मिलेंगे। बट मुझे वो करना पसंद नहीं है कि किसी के भी कान के पास जाओ और ब्रूम ब्रूम ये करो, सामने वाला इरिटेट हो जाता है यार। रिएक्शन अच्छे मिलते हैं नो डाउट।
के काम के कारण जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। लाइफ के असली मजे लेना तो एक ना एक सुपर बाइक होना तो जरूरी है, यही दिक्कत है। टेम्परेचर देखो लगभग फुल ही हो चुका है और यहाँ पैर के पास जो है ना ऐसा लग रहा है आग लगने वाली है। A few moments later. भाई खोल पाएगा या नहीं खोल पाएगा यहाँ का, ये बंद हो गया। इससे अच्छा तो यहीं से निकल लो, सिग्नल अलग बंद है। दो बार खुल गया सामने से पर वो वाला नहीं खुला। वाह, हेलमेट को लेके काफी ज्यादा अभी तेज है, हेलमेट और एग्जॉस्ट ये दो चीज को लेके काफी ज्यादा तेज चलान कट रहा है। टेम्परेचर हो चुका है फुल क्योंकि काफी देर खड़े रहे थे वहां पे, सिग्नल का समझ ही नहीं आया, खुल ही नहीं रहा था। पे अगर जगह मिलती तो थोड़ी सी खींचते हैं गाड़ी को। करते हैं एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।